हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। और बहुत लंबे अंतराल के बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप लोग फिर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आज के प्रश्न भी आपके दक्षिण के इतिहास से होंगे और जल्द ही आपका प्राचीन इतिहास के जो प्रश्न हैं ये समाप्त हो जाएंगे। और फिर हम लोग जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए अच्छा है बच्चों, आप लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री जल्द ही समाप्त हो जाएगा और फिर आप लोग मध्यकालीन भारत के प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व करेंगे। और इसके लिए आप लोग जितना भी मध्यकालीन भारत का जो मैंने पढ़ा दिया है क्लास, उसको रिवीजन कर लीजिएगा ताकि प्रश्नों को सॉल्व करके आप लोगों को अच्छा लगे। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, रिविज़न करेंगे, उतना ही अच्छे से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का जो फ़ायदा है वो मिल सके। और जब प्रश्न आते हैं तो सॉल्व करने में अच्छा लगता है। और आपके लिए आज का पहला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, और आई होप आपको इसका आंसर पहले से ही पता होगा क्योंकि मैंने इसको व्याख्या के दरमियान कराया भी है। तो देखते हैं आप लोग कितना सही आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन है, तोलक पीएम किसका नाम है? तोलक पीएम किसका नाम है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी भारत में एक बावड़ी का, दूसरा ऑप्शन है तमिल व्याकरण पर पुस्तक का, तीसरा ऑप्शन है तमिल भक्ति कविताओं का एक संग्रह है, और चौथा है कन्नड़ कविताओं का एक संग्रह है। तो बताएंगे बच्चों तोलक पीएम किसका नाम है, क्या चीज़ है ये? क्या ये पश्चिमी भारत में एक बावड़ी है? बावड़ी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था ऐसा कुआं जिसमें नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं। क्या बावड़ी है ये, या तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक है, या तमिल भक्ति कविताओं का एक संग्रह है, या कन्नड़ कविताओं का एक संग्रह है? बहुत आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये मैं आप लोगों को पहले भी करा चुकी हूँ तो इसको सॉल्व करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई होप बच्चों आपने आंसर को प्राप्त कर लिया होगा। और आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आया है, तमिल व्याकरण पर पुस्तक लिखा गया है तोलक पीएम, जिसको लिखा है तोलक पियर ने। याद रखेंगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमेखलय के लेखक कौन है? ये भी मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, मणिमेखलय के लेखक कौन है? क्या पहला ऑप्शन है कोवलन है, दूसरा है क्या सत्यनार है, तीसरा है क्या इलंगो आडिगल है, और चौथा है क्या तिरु तक देवर हैं? तो आपको बताना है बच्चों कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका सही है। मणिमेखलय के लेखक का क्या नाम था? और ये प्रश्न भी आपके लिए आसान है बिकॉज मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को व्याख्या के दरमियान बताई हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को बताने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो आई थिंक आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा। ये आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है, सत्यनार। या जब पूरा आपको देगा ऑप्शन तो वहाँ दिया रहेगा शीतलय सत्यनार, शीतलय सत्यनार ये लेखक हैं मणिमेखलय के। और मणिमेखलय आप जानते हैं ये क्या है, तो यहाँ पर जो कोवलन है और जो माधवी हैं इनकी पुत्री की प्रेम कथा है, कोवलन और माधवी। इसके पहले हमने आपको बताया था शिल्पाधिकारम के बारे में, शिल्पाधिकारम में मैंने आपको बताया था कि जो कोवलन है, कोवलन, इसके अलावा इनकी पत्नी है कन्नगी, पत्नी कन्नगी है, और इनकी जो प्रेमिका है उनका नाम है माधवी, इनकी कथा है, इनके बारे में बताया गया है। और दूसरा जो पुस्तक आया मणिमेखलय, ये इनकी नेक्स्ट पीढ़ी यानी कि इनकी पुत्री कोवलन और माधवी की पुत्री की प्रेम कथा के बारे में मणिमेखलय में है। तो याद रखेंगे शिल्पाधिकारम में कोवलन और कन्नगी, साथ में माधवी, इन तीनों की प्रेम कथा है। और जो आपका मणिमेखला है इसमें कोवलन और माधवी से उत्पन्न जो पुत्री है जिसका नाम मणिमेखला है, इनकी प्रेम कथा का वर्णन है। और मणिमेखला लिखा किसने है, शीतलय सत्यनार ने लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखेंगे, ये कहानी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की स्तुति की गई है, यानी कि कह रहा है 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य
शिल्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो आपको बताना बच्चों कौन सी नदी हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न में कोई दम नहीं है क्योंकि ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है सरस्वती और चौथा ऑप्शन है गंगा। तो प्रश्न में कोई दम नहीं है, आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। कभी कभी प्रश्न आपके कॉमन सेंस से भी सही हो जाते हैं, लेकिन कॉमन सेंस भी तभी काम करता है जब हमारे पास नॉलेज होता है। तो इतना नॉलेज तो आपको हो ही चुका है कि आप इसका आंसर बता सकें। तो आप सबको पता है इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो कावेरी नदी है इसी का उल्लेख किया गया है, रीज़न भी है क्योंकि आपको पता है गोदावरी जो है ये ऊपर के क्षेत्र में पड़ जाता है, ये आपका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए ये होगा नहीं। क्योंकि जो शिल्पाधिकारम है ये तमिल महाकाव्य है, तमिल का मतलब ये तमिलनाडु क्षेत्र का है और इसलिए आपका वहाँ पे गोदावरी नदी तो मतलब जो है प्रवाहित नहीं होगी और सरस्वती का भी कोई चांस नहीं है क्योंकि ये उत्तर भारत का, और गंगा भी यहाँ पे नहीं हो सकती इसलिए आपकी ये नदियाँ नहीं होंगी। आपकी दक्षिण की जो गंगा कहलाती है कावेरी नदी, इसी का उल्लेख दक्षिण के महाकाव्यों में मिलता है और जो शिल्पाधिकारम है इसके बारे में आपको पता ही चल चुका है। आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है, फटाफट आंसर देंगे। ये मैं आप लोगों को पहले भी करा चुकी हूँ, इसका आंसर आप सबको पता होगा तो फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा। आंसर दीजिएगा शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है, इसका आंसर फटाफट दीजिए। और आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा शिल्पाधिकारम के जो रचयिता हैं वो हैं इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न था आपके लिए। एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बच्चों कि जो आपका अमुक्त माल्यद ये नेट के एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन कि अमुक्त माल्यद का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो वहाँ पहला ऑप्शन था मोतियों की माला, मोतियों की माला और दूसरा ऑप्शन था फूलों की माला और तीसरा ऑप्शन था सोने की माला और चौथा ऑप्शन था मणि की माला। तो आपको बताना बच्चों कि आपका कौन सा सही है, यानी कि अमुक्त माल्यद जो है इसका अर्थ क्या होता है। ये आपको पता होगा एक महाकाव्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आया कि अमुक्त माल्यद किसने लिखा है, तो फटाफट ये भी बता दीजिएगा कि अमुक्त माल्यद के रचयिता या लेखक कौन थे और अमुक्त माल्यद का अर्थ क्या होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत बार एग्ज़ाम में आया है इसलिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया होगा कि इसका मतलब होता है मोतियों की माला। अमुक्त माल्यद का मतलब है मोतियों की माला, अमुक्त मतलब मोती यानी कि मौक्तिक, मोती को मौक्तिक कहा जाता है, तो अमुक्त और माल्यद मतलब माला, तो मोतियों की माला है। और लिखा किसने है, कृष्ण देव राय का ये रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और सामने आपके एक और भी बढ़िया प्रश्न आ गया है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। प्रश्न है तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूस्वामी रहे हैं, पहला है गृहपति, दूसरा है उज्जहवार, तीसरा है अड़िमाई और चौथा है बेलालार। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन है इसमें जो कि बड़े भूस्वामी हैं तमिल क्षेत्र में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चों एक और भी आंसर दीजिएगा कि जो आपके तमिल क्षेत्र में दास को क्या कहा जाता था, दास को, पहला है कडैसियर, दूसरा है अदमई और आपका तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चों कि क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। दो दो प्रश्न आपके सामने हैं और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि तमिल
संगम ग्रंथ में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे और दूसरा तमिल क्षेत्र में दास को क्या कहते थे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो चलिए आपको आंसर बता देते हैं। तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको बेलालार कहा जाता था, बेलालार कहा जाता था, या कहीं कहीं आपको बेलाला भी मिल जाएगा। तो बेलालार मिले या बेलाला मिले, दोनों एक ही बात है, ये बड़े भूस्वामी हुआ करते थे। और जो आपका दूसरा प्रश्न था इसका आंसर क्या होगा, दास को तमिल क्षेत्र में क्या कहते थे, तो ये याद रखेंगे बच्चों अदमई कहते थे। ऑप्शन नंबर जो दो है ये सही हो जाएगा, अदमई कहते थे। और कडैसियर किसे कहते थे, ये भी क्वेश्चन आया है कि कडैसियर किसे कहते थे, तो कडैसियर जो होते थे ये मजदूर होते थे, मजदूर, मजदूरों को कडैसियर कहा जाता था। नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मजदूरों को कडैसियर कहा जाता था, दासों को अदमई कहा जाता था, बड़े भूस्वामियों को बेलाला कहा जाता था, और ये क्वेश्चन भी आया कि गृहपति किसे कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गृहपति किसे कहा जाता था, इसका आंसर भी नोट कीजिएगा, स्वतंत्र किसान को या कृषक को जो है कहा जाता था गृहपति, यानी कि स्वतंत्र कृषक या किसान जिसका अपना खुद का जमीन होता था, जो अपने जमीन का मालिक होता था उसको कहा जाता था गृहपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये याद रखेंगे आपके लिए एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, कूट में भी आए हैं और इंडिविजुअल भी आए हैं, तो यहाँ से आपके 5-6 प्रश्न क्लियर हो गए हैं और वो सारे अपने आप में बहुत जो है महत्वपूर्ण हैं, उन सब का आंसर आप सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वीरकल किसे कहा जाता था, वीरकल किसे कहा जाता था, पहला ऑप्शन है मंदिर, दूसरा ऑप्शन है औजार, तीसरा ऑप्शन है स्मारक और चौथा ऑप्शन है हथियार। तो आपको बताना है बच्चों निम्नलिखित में से वीरकल किसे कहा जाता था, मंदिर को, औजार को, स्मारक को या हथियार को, और इसका आंसर भी आप बता सकते हैं बहुत ही अच्छे से, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपके लिए प्रश्न बिल्कुल नया होगा, आप लोग हर रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं, लेकिन सीखने के साथ साथ रिवीजन भी कीजिएगा, सारे प्रैक्टिस सेशन को बार बार देखते रहिएगा, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है, स्मारकों को कहा जाता था वीरकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मारक को कहा जाता है वीरकल, यानी कि जो अपनी वीरता का परिचय देता है युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में, उसकी स्मृति में जो भी चीज़ें सम्मान के रूप में उसको दी जाती हैं, या सम्मान के रूप में जब उस सेनापति के नाम पे जो स्मारक बनाया जाता है उसको वीरकल कहा जाता है, यानी कि अगर कोई वीर योद्धा युद्ध में लड़ते हुए मारा गया तो उसके सम्मान में जो स्मारक बनाया जाता था उसी को वीरकल कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वीरकल एक स्मारक है जो वीर योद्धाओं के सम्मान में बनाया जाता था, ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको और कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दक्षिण के राजाओं और सरदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा है जो सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। ध्यान से सारे ऑप्शन को सुनिएगा, जो प्रश्न देखने में बड़े लगते हैं रियल में वो बहुत इजी होते हैं, उनके आंसर उनके उत्तर में मिल जाते हैं, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है चोर चेल पांडे को संयुक्त रूप से तमिलकम कहा जाता था, क्या चोल चेर पांडे को संयुक्त रूप से तमिलकम कहा जाता था। दूसरा है सरदार का पद वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी, यानी कि सरदार का जो पद है वह वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी। दूसरा है मतलब नेक्स्ट है, सरदार अपने अधीन लोगों से कर वसूलते थे जबकि राजा भेंट स्वीकार करते थे। और चौथा है शक तथा सातवाहन शासक लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे।
तो आपको बताना बच्चों इसमें से कोई एक है जो गलत है और वो कौन सा है ये आपको बताना है, और वो बहुत ही आसान है, कॉमन सेंस का है, इसलिए आप लोग इसको बता सकते हैं। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से उत्तर को जो है सुनिए, ध्यान दीजिए, पढ़िए उसको और बताइए कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। और आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है। तो आप सबको पता होगा कि जो चेर चोल पांडे हैं ये संयुक्त रूप से तमिलकम कहलाते थे, ये बिल्कुल सही है। सरदार का जो पद है वो वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी, ये भी सही है। ये राजा के ऊपर निर्भर करेगा कि उसको वंशानुगत करेगा या नहीं करेगा। तीसरा क्या कह रहा है कि जो सरदार हैं ये अपने अधीन लोगों से कर वसूलते थे, राजा को भेंट दिया जाता था, ये गलत है। जो सरदार हैं ये अपने अधीन लोगों से भेंट स्वीकार करते थे, कर नहीं, और राजा को भेंट नहीं बल्कि कर दिया जाता था। यहाँ पे उल्टा कर दिया है, सरदारों को जनता भेंट देती थी और राजा को टैक्स देती थी, इसलिए आपका तीसरा जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो गया। और चौथा तो बिल्कुल सही है कि शक तथा सातवाहन शासक लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। तो इस तरह से आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये रॉन्ग हो गया बच्चों, और बहुत आसान था और बहुत इम्पॉर्टेंट भी। आई होप आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न भी आ गया आपके सामने, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। क्वेश्चन है, तमिल ग्रंथ में उल्लिखित कलाबु एवं कार्पु शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था, ये क्वेश्चन भी आया है बच्चों, आपके लिए नया हो सकता है लेकिन बिल्कुल मत घबराइएगा। क्वेश्चन अगर नए हैं तो आपके लिए और भी खुशी की बात है कि आपको नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं, एग्ज़ाम में आपसे गलतियां नहीं होंगी, आप वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो आपको बताना है कि तमिल ग्रंथों में उल्लिखित कलाबु और कार्पु शब्द का मतलब क्या है। पहला है भूमिकर के संदर्भ में ये शब्द उपयोग में आते हैं, दूसरा योद्धा वर्ग के संदर्भ में ये शब्द उपयोग किए जाते हैं, तीसरा है विवाह के संदर्भ में, और चौथा है गुप्तचर व्यवस्था के संदर्भ में। तो बताएंगे बच्चों कि तमिल ग्रंथों में उल्लिखित कलाबु एवं कार्पु शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते थे। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, गेस मारने का प्रयास कीजिएगा और उसके बाद जब आंसर पता चल जाएगा तो फिर कोई टेंशन ही नहीं। तो आप सबको पता है इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 3 सही है, विवाह से संदर्भ है इसका, जिसमें से जो कलाब है ये जो है प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह या जिसको लव मैरिज कहते हैं प्रेम विवाह है, और जो आपका कर्पु है ये माता पिता के द्वारा जो ढूंढ के विवाह किया जाता है, माता पिता जिसमें शामिल होते हैं, जिसको हम लोग अरेंज मैरिज कहते हैं, ये कार्पु जो है अरेंज मैरिज है, कलाबु जो है ये प्रेम विवाह है, इसको समाज स्वीकार नहीं करता, ये समाज स्वीकार नहीं करता और इसको समाज स्वीकार करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तमिल ग्रंथ में इस तरह के विवाह का उल्लेख है और किसी भी काल में प्रेम विवाह को समाज ने स्वीकार नहीं किया, चाहे वो एंशिएंट काल हो, मिडिवल काल हो, या मॉडर्न काल हो, या आज का काल हो, आज भी प्रेम विवाह को लोग स्वीकार नहीं करते हैं, अरेंज मैरिज को शुरू से ही स्वीकार किया गया है, ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी क्वेश्चन बन जाए कि तमिल ग्रंथ में कौन सा है जो कि गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह या लव मैरिज है, इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें पता रहेंगी तो आसानी से आप इसको सही कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न भी आपका बढ़िया है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद प्राचीन काल के दौरान दक्षिण भारत में उन कृषि मजदूरों के लिए प्रयोग होता था जो जानवरों की खाल का कार्य भी करते थे। कौन है जो जानवरों की खाल का कार्य करते थे और उनके लिए जो है अलग से शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी कि इनमें से जानवरों के खाल का काम करने वाले मजदूरों के लिए कौन से शब्द प्रयोग में आए हैं। पहला है पेरियार, दूसरा है बल्लाल, तीसरा है अरसर और चौथा है पोलिगार। तो बताना बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा आपका, और ये भी आपके लिए प्रश्न नया हो सकता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बेल्लाला तो होगा ही नहीं बच्चों, बेल्लाला तो होगा ही नहीं क्योंकि ये धनी किसान है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन हैं, आपको इनमें से बताना है,
आई होप आपने इसका आंसर जो है प्राप्त करने की कोशिश किया होगा और आई होप आपको आंसर मिल भी गया होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका है पेरियार। ऑप्शन नंबर ए जो है या जो फर्स्ट है यही आपका सही है। पेरियार को ही कहा जाता है जो दक्षिण भारत में वे कृषक मजदूर जो जानवरों के खाल का काम भी करते हैं उनको पेरियार कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये निम्न श्रेणी के कृषक श्रमिक हुआ करते थे जो पशुओं की खाल का या उसके चर्म का उपयोग करके काम किया करते थे या नई नई तरह की चीज़ें बनाया करते थे। याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और आंसर दीजिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन आया है एनाडी। एनाडी क्या था, एनाडी, एनाडी क्या है, तो याद रखेंगे बच्चों एनाडी जो है, ये आज के बाद आप लोगों को भूलना नहीं है, एनाडी जो है जो सेना अध्यक्ष होते थे जो युद्ध भूमि में बेहतर काम करके आते थे, पराक्रम दिखा के आते थे, उनके लिए एक अनुष्ठान होता था, अनुष्ठान जिसमें उनको सम्मानित किया जाता था, उनको पुरस्कृत किया जाता था। तो एनाडी क्या है, ये जो भी सेनाध्यक्ष होते थे जो युद्ध भूमि में अच्छा काम करके आते थे, बढ़िया से युद्ध लड़ के आते थे, जीत के आते थे, पराक्रम दिखा के आते थे, उनके सम्मान में एक अनुष्ठान आयोजित किया जाता था जिसको एनाडी कहा जाता था। ये चीज़ भी याद रखेंगे बच्चों। और जो आपके पोलीगार हैं ये भी क्या है, प्रादेशिक, प्रादेशिक प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी हैं ये आपके पोलीगार। याद रखेंगे सारे पॉइंट क्योंकि ये जल्दी कोई बताता भी नहीं है और बच्चे भी नहीं जानते, इसलिए जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में कोरावई से क्या संदर्भ है या क्या मतलब है। पहला है यह एक प्रकार की विवाह पद्धति थी, दूसरा यह विजय की देवी थी, तीसरा यह शिकारियों का एक समुदाय था और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना बच्चों संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में कोरावाई से क्या तात्पर्य है। आई होप आपके लिए ये प्रश्न भी नया होगा, लेकिन इसी तरह से नए नए तथ्यों की जानकारी करते हुए एक दिन आपके पास बहुत सारे तथ्यों की जानकारी हो जाएगा और फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए नई नहीं रहेंगी। तो आई थिंक आपको इसका आंसर भी पता चल गया होगा कि क्या है कोरा वाई। तो कोरा वाई का मतलब क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर जो टू है ये बिल्कुल सही है। यह विजय की देवी थी, विजय की देवी थी कोरा वाई। याद रखेंगे कोरा वाई विजय की देवी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोरा वाई क्या है, विजय की देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दक्षिण भारत के तमिलनाडु केरकाड मदुरै और सलीम तिरुचिरापल्ली में यह लिपि व्यापक रूप से प्रचलित है। इस लिपि का पल्लव पांडे एवं चोल शासकों ने अपने अभिलेखों में प्रयोग किया है। महाबलीपुरम के धर्मराज रथ पर यह लिपि अंकित है, यह लिपि कौन सी है। आपको बताना, ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जो कहानी दे दिया है, आईएएस के क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, इसमें टोटल आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बताना है कि जो चीर चोल पांड्यों ने जिस अभिलेख में जो लिपि उपयोग में किया लाया है और साथ ही जो महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं इन पर जो लिपियों का अंकन किया गया वो कौन सी लिपि है, मलयालम लिपि है, ग्रंथ लिपि है, तमिल एवं कन्नड़ लिपि हैं या इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना है बच्चों कौन सी लिपि है, और ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको लिपि के क्लास में सारी लिपियों के बारे में बताया है, आर्ट एंड कल्चर में जाके आप लिपि का क्लास देख लेंगे तो लिपि से संबंधित सारे तथ्य आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, कौन से क्षेत्र में कौन सी लिपि थी और किस लिपि की क्या विशेषता है, ये सारी बातें हमने पहले के क्लास में डिस्कस किया है, तो आपसे इसमें गलती नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, और इसका जो आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रंथ लिपि हो जाएगा। यानी कि जो भी उस समय मंदिरों और राजाओं के द्वारा उपयोग में लाई गई है वो लिपि कौन सी है, ग्रंथ लिपि है। अब आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर दीजिएगा, जो आपका जो है पल्लवों द्वारा, पल्लव द्वारा निर्मित मंदिरों में, निर्मित मंदिरों में या रथ मंदिरों में सबसे बड़ा कौन सा था। पहला ऑप्शन है धर्मराज रथ, धर्मराज रथ, और आपका
दूसरा है द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ। तीसरा है भीम रथ, भीम रथ। और चौथा है कि कोई नहीं, चौथा है कोई नहीं। तो आपको बताना बच्चों कि कौन से पल्लवों द्वारा निर्मित जो रथ मंदिर हैं, इसमें कौन सा रथ मंदिर सबसे बड़ा था, ये एग्ज़ाम में कई बार आया है, इसका आंसर दीजिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि इन रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा रथ मंदिर आपको बताना है। और ये प्रश्न एग्ज़ाम में अनगिनत बार आया है, इसलिए इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा मंदिर है जो सबसे बड़ा है पल्लव काल का रथ मंदिरों में, और कौन सा रथ मंदिर है जो सबसे छोटा है। तो आई थिंक आपको आंसर पता होगा, क्योंकि मैं इसको व्याख्या के दरमियान बता चुकी हूँ और डिटेल क्लास में भी मैंने इसको पढ़ाया है। तो आई थिंक आपको पता होगा सबसे बड़ा जो है ये धर्मराज रथ का मंदिर है, जो धर्मराज है इनका जो रथ मंदिर है ये सबसे बड़ा है रथ मंदिरों में, और सबसे छोटा जो है ये द्रौपदी का रथ मंदिर है। इन रथ मंदिरों को जो टोटल वहाँ पे 8 रथ मंदिर मिले हैं, उसमें से द्रौपदी रथ मंदिर को हटा दिया जाए तो उसको सप्त पैगोडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया है कि सप्त पैगोडा रथ मंदिरों में कौन सा मंदिर शामिल नहीं है, या सप्त पैगोडा में कौन शामिल नहीं है। तो सबसे छोटा जो रथ है द्रौपदी का, ये सप्त पैगोडा में शामिल नहीं है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, अगर उत्तर पता है तो अभी आंसर दीजिए, अन्यथा बाद में भी उत्तर दे सकते हैं कि सप्त पैगोडा में कौन कौन से रथ मंदिर आते हैं। सप्त पैगोडा में आने वाले रथ मंदिरों का नाम आप लोग फटाफट कमेंट करें, या अगर नहीं पता है तो बाद में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। इनमें से कोई एक असत्य है और आपको असत्य बताना है, और ये प्रश्न भी काफ़ी बढ़िया है और आसान भी है। क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। पहला आपका उत्तर है इस युग में वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था। दूसरा है समकालीन ग्रंथों में चक्रवर्ती राजा की अवधारणा ज्ञात थी। तीसरा है राजा की शक्ति पर 5 पर्षदों का नियंत्रण होता था। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है बच्चों कि क्या आपका है जो कि असत्य है, आपको असत्य बताना है। तो यहाँ पे बच्चों दूसरे में दिया है समकालीन ग्रंथों के चक्रवर्ती राजा की अवधारणा जो थी ये यहाँ पे रहेगा अज्ञात थी, अज्ञात थी। तो आप बताएं कि आपका कौन सा है जो कि असत्य है, असत्य आपको बताना है, यानी कि आपका कोई ऐसा है जो असत्य है, या कहिए कि अगर आप इसको हटा भी देते तो भी कोई बात नहीं है, आपको असत्य बताना है। इनमें से कोई आपका असत्य है या नहीं है ये आपको बताना है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, तो याद रखेंगे इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा, यानी कि असत्य इनमें से कोई नहीं है। पहला, इस युग में वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था, बिल्कुल सही है, आपने देखा ही होगा राजराज प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम राजा बने, उनके बाद फिर अन्य लोग हुए। दूसरा भी सही है कि समकालीन ग्रंथों में चक्रवर्ती राजा की अवधारणा ज्ञात थी, बिल्कुल सही है, अगर यहाँ पर अज्ञात कर देते तो यही ऑप्शन गलत हो जाता, तो ज्ञात थी इसलिए सही है। तीसरा है राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण था, ये भी सही है, गलत पूछा है तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। और जो आपके 5 परिषद थे वो क्या थे, जिसमें मंत्री, राजदूत, इसके अलावा आप देखेंगे गुप्तचर और साथ ही आपके पुरोहित, सेनापति, ये सारे लोग मिलकर के 5 लोग हुआ करते थे जो राजा के व्यवस्था को नियंत्रित करते थे, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो 4 इनमें से कोई नहीं असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेखक अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग्य करने के लिए जाना जाता है। इनमें से कोई ऐसा लेखक है जिसने अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग्य किया है, कौन है वो। पहला ऑप्शन है भास, यहाँ पे बच्चों भाषा हो गया है, ये भाषा नहीं होगा, ये भास है, याद रखेंगे भास। दूसरा ऑप्शन है भवभूति, तीसरा है क्षेमेंद्र, चौथा है श्रीहर्ष। तो आपको बताना इनमें से कौन से लेखक हैं जिन्होंने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग्य करने के लिए जो जाने जाते हैं, ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी अच्छा है,
आई होप आप लोगों को उत्तर समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न आपके लिए नया भी हो सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। क्षेमेंद्र जो है इन्होंने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग्य किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है कर्नाटक का अंतिम शासक कौन था। ये प्रश्न भी आपके लिए नया होगा और इम्पॉर्टेंट भी है। तो बताएंगे बच्चों, कर्नाटक का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन में है हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह या आपका चौथा है श्याम सिंह। तो आपको बताना है कि कर्नाटक का जो अंतिम शासक था वो कौन था। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन और नया है, और मुझे पता है कि ये मोस्टली बच्चों के लिए नया ही होगा, लेकिन आज के बाद आप लोगों के लिए नया नहीं रहेगा। चलिए बच्चों, गैस ही मारिए लेकिन आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको सही कर पाएंगे। आई होप आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 या ए सही है। हरि सिंह जो हैं ये कर्नाट वंश के अंतिम शासक हैं, जिनका नाम हरि सिंह देव हैं, और इन्होंने कला साहित्य को महान संरक्षण दिया था। ये महान संरक्षक हैं जिन्होंने कला और साहित्य को भी अपने यहाँ संरक्षण दिया है। तो आई होप इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है, और ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप इसे बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है क्या कर्पूर मंजरी हर्ष का है, दूसरा है क्या मालविकाग्निमित्रम कालिदास का है, और तीसरा है क्या मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का है, और आपका चौथा है क्या सौंदरानंद अश्वघोष का है। तो आपको बताना है बच्चों कि आपका कौन सा है जो कि सही ऑप्शन, यानी कि जो सही सुमेलित नहीं है। तो आई होप आप इसका आंसर बता सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ प्रत्येक रचना और उसके राइटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आए हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन बहुत ही आसान था आपके लिए, और आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही नहीं है, क्योंकि कर्पूर मंजरी के जो लेखक हैं ये हैं राजशेखर। याद रखेंगे कौन है, राजशेखर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, राजशेखर हैं कर्पूर मंजरी के लेखक। दूसरा बिल्कुल सही है मालविकाग्निमित्रम कालिदास का है, तीसरा भी सही है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का है, और चौथा भी सही है कि जो सौंदरानंद है ये अश्वघोष का है। अब क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दीजिएगा, अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे, किसके दरबारी कवि थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके दरबारी कवि थे बताएंगे फटाफट। ऑप्शन आप लोगों को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान है, इसलिए बिना ऑप्शन के आंसर दीजिएगा कि जो अश्वघोष हैं ये किसके दरबारी कवि थे। आगे पढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? महान जैन विद्वान किसके दरबार में रहते थे आपको ये बताना है। ऑप्शन में है अमोघ वर्ष, दूसरा ऑप्शन है कुमारपाल, तीसरा ऑप्शन है जय सिंह सिद्धराज, और चौथा ऑप्शन है विद्याधर। तो आपको बताना बच्चों कि किसके दरबार में रहते थे जैन विद्वान हेमचंद्र, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा आपका ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा। तो आई होप आप इसका आंसर जान रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, कुमारपाल के दरबार में रहते थे हेमचंद्र, और कुमारपाल कौन है, तो कुमारपाल जो हैं ये चालुक्य वंश के शासक हैं, गुजरात में जो चालुक्य थे उसी वंश के शासक हैं कुमारपाल, इन्हीं के दरबार में रहते थे हेमचंद्र। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत आसान और इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं? इनमें से कौन से हैं जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं? पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज द्वितीय, तीसरा है पृथ्वीराज तृतीय, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपके मध्यकालीन भारत का है, तो आपको ये आंसर बताना है बच्चों कि कौन सा है जो कि सही सुमेलित, मतलब जो कि सही है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को किस नाम से जाना जाता है इतिहास में, आपको ये बताना है।
तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज जो थर्ड हैं, इन्हीं को ही इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि पृथ्वीराज चौहान से गौरी ने कौन से युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान से गौरी जो है वो हारे हैं, और कौन सा युद्ध है जिसमें पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने हराया था। बताएंगे बच्चों जो है ईयर के साथ बताएंगे कौन से ईयर में कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था और गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी स्वरूप की परिभाषा बताता है। आपको बताना है हुंडी की परिभाषा को कौन बता रहा है। पहला ऑप्शन है राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, क्या ये हुंडी को परिभाषित कर रहा है। दूसरा, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली वही, क्या ये वही है। तीसरा है कि विनिमय पत्र, और चौथा है सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो आपको बताना है बच्चों हुंडी शब्द किसको निरूपित कर रहा है, और ये भी बहुत ही बढ़िया है और बहुत आसान भी। आई होप इसका आंसर आप लोगों को ढूंढने में जरा भी समय नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 विनिमय पत्र बिल्कुल सही है। इसे व्यापारियों के द्वारा ऋण लेन देन में उपयोग में लाया जाता था। विनिमय पत्र जैसे वर्तमान में चेक होता है, ऐसे ही प्राचीन काल में हुंडी हुआ करता था, जो व्यापारी आपस में ऋण के लेन देन के लिए करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। अंतिम शासक तो आपने देखा था हरि सिंह देव थे। आपको बताना है कि इसका संस्थापक कौन है, यानी कि इसकी स्थापना किसने किया, ये कर्नाट जो वंश है इसकी स्थापना किसने किया है आपको ये बताना है। नान्यदेव या नरसिंह देव या विजय देव या हरिदेव, तो ये आंसर भी आपके लिए आसान होगा बच्चों। और अगर नया है तो कोई बात नहीं है, आज के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कर्नाट वंश के जो संस्थापक हैं ये कौन है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। नान्यदेव जो हैं यही कर्नाट वंश के संस्थापक हैं, और ये कहाँ के शासक हैं, मिथिला के शासक हैं। मिथिला में था कर्नाट वंश, जिसके संस्थापक हैं नान्यदेव, और जिसके अंतिम शासक थे हरि सिंह देव। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से या निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। कौन सा शासक है जिसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। पहला ऑप्शन है मयूर शर्मन, दूसरा ऑप्शन है हरिचंद्र, तीसरा ऑप्शन है दंती दुर्ग, और चौथा ऑप्शन है हर्ष। आपको बताना है बच्चों कौन सा शासक है जिसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी आपको जो है उत्तर भी पता होना चाहिए। आप फटाफट आंसर दीजिएगा, कौन से राजा हैं जिन्होंने हिरण्यगर्भ जो है नामक धार्मिक कार्य करवाया है। ये एक तरह का यज्ञ है, और ये आप लोगों को बताना है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है यही सही है। दंती दुर्ग जो है यही राष्ट्रकूट शासक के संस्थापक भी हैं, और इन्होंने ही जो है हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक अनुष्ठान यानी कि यज्ञ का आयोजन भी किया था। याद रखेंगे राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक हैं वो दंती दुर्ग हैं, और इन्हीं के द्वारा ये जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एक क्वेश्चन और है बच्चों, बताएंगे फटाफट कि जो राष्ट्रकूट कौन सी गुफाएं हैं, कौन सी गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। फटाफट आंसर देंगे, पहला है बाघ की गुफा, दूसरा है अजंता की गुफा, अजंता की गुफा, तीसरा है जो है कन्हेरी की गुफा, कन्हेरी की गुफा, और डी है कि सभी। आपको बताना है कौन सी गुफा है जो कि आपका उपरोक्त नहीं बेटे सभी नहीं होगा, यहाँ पे कर लीजिए आप लोग एलोरा, एलोरा की गुफा। आपको बताना है कि कौन सी गुफा है जो राष्ट्रकूटों ने बनवाया है, और ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है क्योंकि मैं इसको हिस्ट्री में भी पढ़ाई हूँ और मैंने इसको आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ाया है। तो आई थिंक आप इसका आंसर बता सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। जो राष्ट्रकूट है इन्होंने कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें आपका एक था अजंता, सॉरी एक था एलोरा और दूसरा था एलिफेंटा। अजंता की गुफा और बाघ की गुफा किसने बनवाया था ये भी आपको पता होगा क्योंकि मैंने पढ़ाया है। तो एलोरा और एलिफेंटा राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, और जो आपका बाघ और अजंता है इसको बनवाया था गुप्त शासकों ने। याद रखेंगे बच्चों गुप्त शासकों ने इसको बनवाया था।
नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटे सार्वजनिक बाजारों तथा बड़े व्यापारी केंद्रों के बीच स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सार्वजनिक बाजारों तथा बड़े व्यापारी केंद्रों के बीच स्थानीय विनिमय केंद्र को जो है स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करता है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है और नया भी होगा। आपके सामने ऑप्शन है मंडपिका, दूसरा है तेव राम, तीसरा है आपका गढ़ और चौथा ऑप्शन है आपका अग्रहार। तो बताएंगे बच्चों कौन है जो स्थानीय विनिमय केंद्र को और छोटे सार्वजनिक बाजारों को इंगित करता है, कौन सा हो जाएगा? आप फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आई होप इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसका आंसर दीजिएगा फटाफट। और ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्या मंडपिका है या तेवराम है या गढ़ है या अग्रहार है? तो आई थिंक आपको इसका आंसर पता चल चुका होगा। अग्रहार के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो अग्रहार है ये ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसको अग्रहार कहा जाता था। और जो आपकी मंडपिका है ये क्या है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। मंडपिका याद रखेंगे, मंडपिका आपका सही आंसर है। और ये क्या है, मंडपिका या मंडी उपनगरों में स्थित बाजार होती थी जहाँ गांव के लोग अपने उत्पाद बेचने के लिए जाते थे। अतः मंडपिका क्या है, छोटे सार्वजनिक बाजारों एवं बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करता है, याद रखेंगे मंडपिका को। और अग्रहार ब्राह्मणों को दी जाने वाली दान भूमि थी जो कर मुक्त हुआ करती थी। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेख पद्धति में वर्णित विक्रय दस्तावेज दासी पत्र विधि के अनुसार सही नहीं है? तो आपको बताना है बच्चों कि आपका इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। पहला ऑप्शन है दास हासिल करने का महत्वपूर्ण स्रोत युद्ध बंदी थे, क्या दासों को हासिल करने का महत्वपूर्ण स्रोत युद्ध में बंदी बनाए गए लोग थे? दूसरा है दास खुले बाजार में बेचे जाते थे, क्या ये बात सही है? तीसरा है यदि दास आत्महत्या करे तो मालिक को उत्तरदायी होना चाहिए और उसे दंड मिलना चाहिए। और चौथा है दस्तावेज के कार्यान्वयन के लिए रसपाल और शहर के निवासियों का गवाह के रूप में चुना जाना। तो आपको बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है, दस्तावेज दासी पत्र विधि के अनुसार सही नहीं है। तो इसमें कौन सही नहीं है, सभी को पता है कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, यानी कि यदि दास आत्महत्या कर ले तो इसके लिए मालिक को उत्तरदायी ठहराया जाएगा और उसको दंड मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। आपको पता है कि दास हासिल करने का महत्वपूर्ण जो स्रोत होता था वो युद्धबंदी थे, उनको दास बना लिया जाता था, साथ ही खुले बाजार में भी दासों को खरीदा और बेचा जाता था। लेकिन अगर वो आत्महत्या कर लें, किसी तरह की घटना उनके साथ हो जाए तो इसके लिए मालिक उत्तरदायी नहीं होता था, इसलिए आपका तीसरा सही नहीं है। बाकी जो आपके ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है भुवन कोश, क्या भुवन कोश भूगोल से संबंधित ग्रंथ से संबंधित है? दूसरा है बृहद जातक, क्या यह ज्योतिष विद्या का ग्रंथ है? तीसरा है दस रूपक, क्या ये नाट्य कला से संबंधित ग्रंथ है? और चौथा है मानसर, क्या ये कला ग्रंथ है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो याद रखेंगे बच्चों इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, तो आपका जो सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो मानसर है ये कला नहीं है बल्कि वास्तुकला है, वास्तुकला से संबंधित है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही नहीं है। बाकी सही है, भुवन कोश जो है ये भूगोल से संबंधित ग्रंथ है, वृहद जातक ज्योतिष विद्या का ग्रंथ है, और दस रूपक नाट्य कला से संबंधित ग्रंथ है, लेकिन आपका जो मानसर कला का ग्रंथ है ये आपका वास्तुकला से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित को उसके लिखे जाने के क्रम में कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आपके सामने किताबें हैं और आपको उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने के लिए बच्चों मैं आप लोगों को कूट दे रही हूँ कि कौन सा आपका कूट है जिससे व्यवस्थित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर बी में है दूसरा, पहला, तीसरा और जो है दूसरा, सॉरी बच्चों यहाँ पे हो जाएगा चौथा। और तीसरे में है आपका तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। आपके सामने तीन ऑप्शन है और इसी में से आपको मैच करके बताना है। ये आपके लिए हार्ड हो सकता है, टफ हो सकता है, तो इसलिए आपको इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ कि आपका कौन सा है जो सही क्रम है। पहले तो जान लीजिए बच्चों कि जो आपका है ये किस काल से संबंधित है। तो जो मिताक्षरा है ये 11वीं सदी का है और इसको लिखा है विज्ञानेश्वर ने लिखा है। और आपका जो मानसोल्लास है ये 12वीं सदी का है, इसको लिखा है सोमेश्वर थर्ड ने लिखा है। और आपका जो विक्रमार्क जूनियम विजय है ये 10वीं शताब्दी का है और इसको लिखा है पंप ने। और आपका चौथा जो है ये लिखा गया है 13वीं शताब्दी में और इसको लिखा है हेमाद्री पंडित ने। उस हिसाब से आप देख रहे हैं तीसरा पहले हो जाएगा, 10वीं सदी का है और आपका पहला दूसरे नंबर पे आएगा मिताक्षरा, 11वीं सदी का है। तो ये आपका पहला, इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। मानसोल्लास आपका जो है तीसरे नंबर पे आएगा और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा चिंतामणि। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ये क्रम याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट था, थोड़ा आपके लिए हार्ड हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए आज का आखिरी और सबसे जो है बड़ा प्रश्न है आपके सामने जिसको आपको देखना है। तो आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है पूर्व मध्यकालीन भारत में सांप्रदायिक धार्मिक समूहों का विकास हुआ, इनमें से भक्ति पूजा पर बल देने वाले सिद्धांतवादी संप्रदाय लोकप्रिय हुए। दूसरा है मंदिर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यों के गतिशील स्थल बन गए। और तीसरा है पूर्व मध्यकालीन भारत के शहरी केंद्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, इनमें से एक को प्रशासनिक शहर और दूसरे को वाणिज्यिक शहर कहा जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है आपका, चूंकि मंदिरों में विभिन्न सामाजिक समूहों को उत्कृष्ट किया, इस प्रकार उन्होंने अपवर्जन के पक्ष धाराओं का विरोध किया। आपको बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सा है स्टेटमेंट जो कि आपका सही नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है। ये आई थिंक आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपका कौन सा सही नहीं है। तो आपका कौन सा सही नहीं है, तो ये आई थिंक थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आप इसको आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा आपका है जो कि सही नहीं है। तो पहला क्या कह रहा है कि पूर्व मध्यकालीन भारत के सांप्रदायिक धार्मिक समूहों का विकास हुआ, इनमें से भक्ति पूजा पर बल देने वाले सिद्धांतवादी संप्रदाय लोकप्रिय हुए थे। तो याद रखेंगे बच्चों ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है मंदिर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कार्यों के गतिशील स्थल बन गए, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है पूर्व मध्यकालीन भारत के शहरी केंद्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से एक प्रशासनिक शहर था और दूसरा वाणिज्यिक शहर कहा जा सकता है, ये भी सही है। और आपका चौथा है चूँकि मंदिरों के विभिन्न सामाजिक समूहों को आकृष्ट किया, इस प्रकार उन्होंने अपवर्जन के पक्षधराओं का विरोध किया है। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से आप देखेंगे एक चौथा ऑप्शन ले लीजिए कि इनमें से कोई, मतलब लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे बच्चों इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि गलत हो,
यानी कि सभी सही हैं। गलत बताना था तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि जो गलत हो। आपको यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली हैं। याद रखेंगे सारे पॉइंट सही हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। उस समय की ये सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और मंदिरों की स्थिति, इन सभी का वर्णन कर रहे हैं, तो सभी जो हैं आपके ऑप्शन सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो आपका ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, 25 नंबर का क्वेश्चन। उरैयूर प्रसिद्ध है, बहुत ही आसान और बहुत इम्पॉर्टेंट। आपको बताना है उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध है। पहला है चेर की राजधानी के लिए, दूसरा है प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए, तीसरा है मोतियों के लिए, चौथा है घोड़ों के लिए। तो आपको बताना है बच्चों कि उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। आई होप आप इसका आंसर बता सकते हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उरैयूर है ये प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र के व्यापार के लिए, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका भी आप लोगों को जो उत्तर है ये पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न था। और आज के लिए आपका प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग अभी बताएंगे, और अगर नहीं पता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आपको बताना है कि कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित था, ईंटों से बना था। आपका पहला ऑप्शन है भीतर गांव का मंदिर, और आपका दूसरा ऑप्शन है जो है लक्ष्मण मंदिर, और आपका तीसरा ऑप्शन है मतलब चौथा ऑप्शन है आपका दोनों या कहिए सी, दोनों सही हैं, और आपका डी है कोई भी सही नहीं है। यानी कि पहला ऑप्शन है भीतर गांव का मंदिर, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मण मंदिर, और तीसरा ऑप्शन है कि दोनों सही है, और चौथा है कि दोनों सही नहीं है या कोई भी सही नहीं है। तो बताएंगे बच्चों इनमें से आपके कौन से मंदिर हैं जो ईंटों से निर्मित हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इसका उत्तर मुझे आप लोगों को देना है, तो इसका आंसर फटाफट दे दीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट टाइम हम फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।